Now, next question. Match each function below with the associated part of or part of the human male reproductive system shown in the figure. Produce a sperm, conduct the sperm through the penis to the outside of the body. Okay. Labeling से match करना है कि कौन क्या कर रहा है. तो basically label, थोड़ा थोड़ा label कर लेते हैं. Major major part. This is seminiferous tubule. Seminiferous ट्यूब्यूल. पूरा लेबल करना पॉसिबल नहीं होगा ड्यू टू स्पेस इश्यूज. तो यहाँ पे ये हो गया सेमाइनल वेसिकल. ठीक है. बी इज योर व्हाट? वास्ट डेफरेंस. ठीक है. सी इज व्हाट? प्रोस्टेट. सी इज प्रोस्टेट. प्रोस्टेट. ठीक है. उसके बाद में डी ये क्या है? बल्बो यूरेथ्रल शॉर्ट में लिख लेते हैं. ई पार्ट इज यूरेथ्रा. ठीक है. एंड एफ जो है वो यहां पर किसको दिखाया गया है? एपिडाइडमस वाले रीजन को. ठीक है. एपिडाइडमस या फिर मे बी इट इज लेबल्ड एज वासा एफरेंशिया. इट इज नॉट क्लियर इन द डायग्राम. लेट सी एफ में लेबल क्या किया गया. तो प्रोड्यूस स्पर्म. प्रोड्यूस कौन कर रहा है स्पर्म को? तो जी रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. यानी बन कहाँ रहे हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बन रहे हैं. इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये अप्रोच है जो मैंने अभी अभी एम्प्लीफाई की है. इस अप्रोच का क्या सेंस बन रहा है? आप ध्यान से देखिए कि पहले अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया है तो आप ये पूरे पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद इमेज द फॉलोइंग डायग्राम देखेंगे. तो इट इज लिटिल बिट ऑफ हैसल और हमें समय ज्यादा लगेगा. टू सेव आवर टाइम हम लोग क्या करेंगे कि ए बी सी डी ई एफ जी जो भी लेबलिंग दिया है आप इनको फटाफट से लेबल कर लीजिए. लेबल करेंगे तो जैसे जैसे इसने पहला फंक्शन दिया प्रोड्यूस स्पर्म कौन करेगा? जी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रोड्यूस स्पर्म कर रहा है. कंडक्ट द स्पर्म थ्रू द पेनिस टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी कौन करेगा? आउटसाइड ऑफ द बॉडी यूरेथ्रा लेके जा रहा है. तो इट इज ई. ठीक है. उसके बाद में प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूइड. तो सेमिनल फ्लूइड सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस करेगी तो ए. ठीक है. उसके बाद में ए सी भी होगा इसका, है ना. सी सेमिनल फ्लूइड में तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशन हो गए, प्रोस्टेट सेमिनल वेसिकल एंड बल्बो यूरेथ्रल. तो ए सी एंड डी. ठीक है. और कनेक्ट्स द एपिडाइडमस विद द यूरेथ्रा. तो एपिडाइडमस को यूरेथ्रा से कनेक्ट कौन करता है? वास डेफरेंस कनेक्ट करता है. वास डेफरेंस का लेबलिंग है बी. अब आप मैच कर लीजिए, इट इज वेरी इजी. ठीक है. वन इज जी. ओके. टू एफ. टू ई. टू इज ई. वी गॉट आर आंसर. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. तो लेबलिंग करने के बाद में समय जो है वो हमारा बच जाएगा, क्योंकि डायग्राम लेबल कर लिया तो हमारे लिए फंक्शंस जो है वो प्रिडिक्ट करना इजी हो जाएगा.